रामा हो रामा तुम्हारी याद में कलमा कलाम भूल गए, नमाज पढ़ लिए मगर सलाम भूल गए। तो मर्द वही कहलाता है जो मातृभूमि पर मरता है, जो मर्द मौत से डर जाए रंडी का भड़ुआ होता। वीर रस गाथा है। इस कहानी का निष्कर्ष होगा क्या कि टारे ना टरी और टोर नो टरी, करम गति तार ना टरी, जुटी है दुई दुल्हा रही कर दू रही जय मलवा के जन्म अभिमन्यु लिया था चारों में वगहा था, पहला जन्म लिया रावण घर मारा लखन लाल को बाण, दूसरा जन्म लिया अर्जुन घर जिसका अभिमन्यु था नाम, 16 साल की उम्र में तोड़ा द्वार, तीसरा जन्म लिया नैनागढ़ जो मिर्जापुर के जिले में चुनार यतनी वक्त बाए, और काली नर्मन नाम उसका था रुदल से गतल। चौथा जन्म लिया मोहबा में जिसका इंदल सिंह हुआ नाम, मोहबा में जन्म लिया आल्हा का बेटा होकर के सोना रानी की गोद में पैदा हुआ, तो उसकी शक्ल कैसी थी, उसके शक्ल का झांगुड़ झांगुड़ बारवा लीला रवा पबीहर हो ललनवा सुंदर, हो ललनवा सुंदर ना उक नकुरा सुगन कठोरवा, ललनवा सुंदर ना ललनवा नकुरा सुगना कठोरवा, ललनवा सुंदर ना आय हाय दूधवा कदतवा नाही टूटलो जवन हो सुमनवा सुंदर ना, लौके गाजा भार छटिया सुमनवा सुंदर ना। भैया जब 12 साल का बालक हुआ थे घटना घटती है, जेठ दशहरा की पर भी हुई दुनिया करन चला स्नान, जितने वीर रहे मोहबा के वीर ठुर कर न चले स्नान, कौन कौन वीर चले उन वीरों का नाम है रुदल डेभा माहिल सैयद इंदल खुन खुन पैरी मदन गड़ेरी लला तमोली रूपन बादी उन्नन फुन्नन यदल खम्भन बेटा यली बेद सुल्तान यदो घमंडी कोणहर वाले नवसे गणसन कै सरदार बौना चोर रहा कुरियल कै नवसे डाकुन कै सरदार। बार भैया एक सांस में ही संस्कृत बाचत हुए, लेकिन देखें कड़ा पानी के मर्द होते हैं और मीठे पानी की भी मर्द होते हैं। ये मीठे पानी के मर्द हैं, कड़ा पानी के मर्द जो होलन भाई साहब केहू कुछ कह देला तो लग जाले, लेकिन मीठ पानी के मर्दे के औरतियों 10 गारी दे दे तो ही कह के हटा लेला वही में। देख लें ये हमारे ऊपर कहत हुए तीन के ऊपर एक छंद याद यान के घरे के बड़े टेढ़ देख हसे अपने खड़हरोप छनियों ने छावे, आन के घरे के बड़े टेढ़ देख हसे अपने खड़हरोप छनियों ने छावे, आन के सिखावे कि मदिरा मांस खाए होलनास अपने तो मुर्गा के अंडा चबाले। भाई साहब इतना कहने पर ही मुस्कुराए नहीं तो 40,000 रुपये के इनाम है, कोई हंसा दे पूरे विश्व में। लेकिन दास्तान सुने अरे राम, जब इतने वीर बीठुर में पहुंचे हैं लेकिन वहां पर घटना क्या घटी,
दलित को जोर अरे रमनगीनिया बन के अरे रमनगीनिया बन के मारा सी जादू हुआ काबार मार की इंदल को चुरा लेती है पन्ना रानी तो आल्हा से आकर के माही चुगलखोर चुगली कर देता है कि आल्हा तेरे बेटे को रुदल काट के गंगा में फेंक दिया। रुदल को आल्हा बान की इतनी मार मारे भाई साहब मरा समझ के जंगल में फेंक दिए थे। ऋग दुर्वासा साथ दिए तो जिंदा हुए रुदल बलवान। 6 महीना मुसीबत उठाए और बन के भिखरिया घुमले बावन घर नगरिया हो की साज सकार बबुआ साज सकारे ना रोवत खोजे अपन सुमनवा बबुआ साज सकारे बबुआ साज सकारे ना बबुआ साज सकारे खोजत रोवत खोजे ललनवा बबुआ साज सकारे पावल सुमनवा गुंजरा तेजा भामनवा ओ की सरकारे ना पनवा संग घुमली भवरिया बबुआ साज सकारे। भाई साहब पन्ना रानी के संग इंदल की शादी करके रुदल जब महोबा में लाए हैं तो इंदल सुहाग रात मनाने के लिए आंगन में नहीं जाता, अपनी दुल्हन से मुलाकात करने के लिए नहीं गया। प्रेमियों क्यों? उसे गम भारी कि बैरन बन गई मेरी नारी, जादू मार चुराया मेरे चाचा को मरवाया। इसी गम से दुल्हन के पास नहीं जाता है, यहां तक कि उसकी माँ आंगन में बैठी थी, माँ को सलाम करने के लिए बालक नहीं जाता है। तो 1 महीना हो गया तो सोना रानी जो महतारी इंदल की थी आंगन में भोजन बनाती है। इन रुदल करने को भोजन आंगन में जब पहुंचते हैं तो सोना रसे रसे बेना रही रसे रसे बेनवा सोनवा डोलावे नाजुक नयन बही के कजरवा ये चरवा में चूए अचरवा काला सुरुख परी। अरे रुदल की नजर पड़ती है, तुमने भाभी से पूछ रहे रुदल का तरजु है वा कि हमारी भौजी बता द भौजी को बारस नारानी अपने देवर से बतला रही है। देवर आप नहीं जानते मेरे दिल की बात, बतला दूं? कहा बताओ। तब सोना रानी बड़ा दर्दनाक बात कहनी का कि देवर अरे बपवा के कले जवा हो कठोर तन की होला माई के कले जवा होला दूधा गदारी महीनवा भायल देखल ना अर जाई के बांगलवा से दी देवा हो पढ़ाई। भैया उस समय उदय सिंह कहते हैं कि भाभी रो मत, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं बेटा इंदल को भेजूंगा। 5 चबाए हैं, तलवार उठाए हैं। जब बंगले में पहुंचते हैं तो बंगले में क्या देखते हैं कि बड़े बड़े जवान जोमी के माथे 101 दयु के लाल मोछा रोइया गदा 25 गभरू 20 बरस के जवान रंडी मुंह सपनो ना देखे मद से भरे रहे दिन रात ऐठत कै सुरमा लोग निकले हथवा माजत कै तलवार राम के दिनवा कहिया लौटी पंजा रेल चली तलवार बुढ़वे बुढ़वे तेगा माजी लोह झर जाए
कदरा कहाँ बाबू झगड़ा मचौता तनी दुई हाथ चलत तलवार बैठे बैठे तोनी आई गए मुर्चा खाए गई तलवार तबले बेदुला के चढ़वैया पहुँचे अर्जुन के अवतार नास्तवा अब की होती है लौंडे नचे यागरे वाल दिदिनिक तबला बाजे क्या हरी ब्यों ब्यों करे सितार किनकिन जोड़ी बाजे रंडी नाच रही दिखलाए छोट पतुरिया कब छैया यस भल चुटकिन पाए तोरे कान कंचित पाँव धरे जा जिम्पाई के तने तरस तरस मरी जाए वाह सबसे ज्यादा थी बुढ़ऊ तरसत रहे बार भैया लेकिन नाच देखले में रुदल भुलाए गईले हो इंदल के ना भेजले जब एक घंटा सुनवा गोर लड़स लड़िका ना आयल भैया तेक लौड़िन के भेज दलस लौड़िन जाए कि इंदल बाबू कहे कहले हे रे इनला तोरी महतारी बोलावत बाय अरे एक तो बियाह के आयल हल दूसरे समाज के अंदर हल तीसरे वीर रहल लौड़ी नौकर की जात हो करके जब इंदल का नाम तुकारा है तो गर्जल से रवा बाबू तरपल से रवा हो राम तरपल से रवा लेके हाथ माने इंदल कहा मात काट लो ये ससुरी कैसो धैना मली हसररिया भरी समाज में ना हो रही है उल्लई एक इलाज तनी कहो लाई के तेगा इंदल झपटा लौड़ी जुल्ले चली पराए खो खती हाँ पति ने पति भागत जज्जु हरी से भगे सियार जाए बतावे रणी सोना से बहिनी जनवा ले क्यों बचाए ना हो रही आए दिहल लड़का कहे तेगा लाई के आवत बाए सुनवा कहे कोठरिया में शिव जो माय लड़का के लबू मनाए लौड़िया कोठरी छिप गए तबले जुटाई ना नौजवान दारी ठड़ी रही मारी इंदल लाइके किया सलाम दिया धुमाए माता सोना जुग जुग जिया कधैया लाल अरे मेरे लाडले बहुत देर से भोजन बना करके तेरी इंतजार कर रही है माँ भोजन कर ले माँ को सलाम करते हुए इंदल कहता माँ जब तक उस लौड़ी का गर्दन नहीं काटूंगा पानी पीऊंगा तो गाय का खून पीऊंगा अन्न खाऊंगा तो गऊ की मांस खाऊंगा सोना कहती है बेटा इतनी कसम खा रहे हो क्या गलती उसकी है इंदल कहता है कैसी लौड़ी भेज दिया भरी समाज में कहती कहरी लला तो सोनवा रानी समझ गई कि एक इंसान का जान बच जाए तो सौ झूठ बोलने में कोई पाप नहीं होता है सोना झूठ बोली बेटा पद में तेरी मौसी है इंदल कहा किस कौने नाते मौसी है तब सुनवा बतावे कि जौने दिन डोलिया मुरनई हरवसी आईली हो दस ठेला उड़िया आईली साथ और नई हर के नाते ही रवा बहनी मुरला गई मौसी का नतवा तोहते भाई अरे उस समय इंदल क्रोध विलाल होता है माँ के ऊपर तेगा तान के कहता है क्या अरे मतरिया पगली अरे मतरिया पगली मरी मतरिया पगली रे मतरिया पगली बोरली पुरखन का पगलिया नौकर चाकर मौसी मौसा काकी काका लगाए हमार ऐसन शब्द फिर मत बोली हो नहीं बिन कोट छोड़ गर्दन तुर मतरिया पगली बोरली नाना कई पगारी बोली महतरिया बचवा बल करिया सुनाया राजी हमार मेरे बेटा तीन बार भगवान माफ कर देते हैं तुम इंसान हो माफ कर दो आइंदे गलती नहीं करेगी वो लौड़ी माँ के कहने पर आधा क्रोध हृदय में सुलग रहा है आधा खत्म कर देता है कि मान के कहनमा कर लो भोजनमा कबो पैबो तो बिना गर्दनमा कटले ससुरो के छोड़बो नहीं ए बाबू पहला कर उठोले दूसरा कर नहीं उठता है थाली पर देता है
और कहता माँ कौन फुहरिया भोजन बनौले गलिया में नमक ढेर कहवाए और जमना बनौ के सहुरा ओ न रहले तो कतके भोजनवा मोरा दिया है बिगार। सोना रानी भोजन बनाई थी माँ के मुख पर इंदल बेटा जब गाली दे दिया तो सोना रानी क्रोध में लाल होकर के कहती है इतना बिसनी तुम्हारे उदय सिंह भोजन करके गए अभी कुछ नहीं कहे इतना बिसनी दादा तुम्हारे कुछ नहीं कहे तुम मेरे तनख से जन्मे हुए मेरे ऊपर गाली दे दिया और भोजन में दाग लगाया है तो सुन ले कहिया से तू बिसनी हो गयो कहिया सिखो ढाल तलवार अरे ऐसा ये बिसनी तू बचावा होता तो तू चली जाता संगला दी। अरे लड़ा की लिया उठा बेटा सिरिया नाग का तुझे कर पद्मावती है राय जन के चलिए वापस भवरा ये गूंज तो नित उठे वे बेली के बास। जब माँ ऐसा मार दिया तो बालक के कलेजे में लग जाती है और उसी समय वह 12 साल का छोकरा प्रतिज्ञा करता है माँ के सामने गंगा का पानी लेकर के साक्षी गंगा को बना के कसम खाता है कि असल बाप का बेटा होगा डोली ला के देगा दिखा अगर दोगला बेटा होगा पिट दिखा के आएगा। लेकिन माँ तेरे तन से मैं पैदा हुआ लेकिन आखिरी सलाम चलते चलते आखिरी सलाम ले ले माता अब तो टूट रहा तेरे लालन जी से नाता। ये कह के बालक चलता है और फिर कहता है कि माई मोरे को पूरा पिबानी देखो फाना चल देता है। भाई साहब जब बंगले में चलता है उस समय रुदल के पास जाकर के बैठ जाता है और टप टप आंसू आ रहा है और सोच रहा है ललन रही रही करे गुननवा बल बल बर सही हो नया नवा जैसे बर सही हो सावा नवास हाय माया ना मिली है कीड़ा है। बालक ये सोच रहा था उदय सिंह की दृष्टि पड़ती है और कहते बच्चे तुम क्यों रो रहे हो इसका कारण क्या है। इंदल कहता चाचा पहले बता दीजिए आप मर्द हैं कि औरत हैं अगर औरत हो तो नहीं कह सकता मर्द बनते हो तो कहूं। उदय सिंह क्रोध में लाल होता है और कह देता है बहादुर कह पूरम मारा पूर पाटन ले पश्चिम मारा भर पंजाब तीन खंड नेपाल हिलाया है दक्षिण मारा बिंद पहाड़ मेरा जोड़ा कोई ना सृजा जो भर पेट चले तलवार इतने बड़े वीर को बेटा तुम कैसे औरत दिया बनाए क्या चीज की कमी है बोल। इंदल समझ गया कि चाचा साथ देगा जब इतना कसम खा रहा है तब इंदल रो रो के कहे लगले का कहने इमाई हमारी हमके तनवा के मरली संगल दी पुव के हम जाई बहुम दे चाचा साथवा पूरा दा डोली गोरिया के आनी देता पूरा कई दा दिल को और मन ये चाचा। अरे रे बाप तबले गड़बड़ा हो गए तो रुदल के दाबे 90 डिग्री बोखार सुन के न मामा तो सना लगी पकड़ के पछोटा व ढीला हो जाए। रुदल मुड़ी नीचे लटका ले हैं इंदल कहे काहो चाचा गुंग हो गईला बहिर हो गईला। रुदल खोखी काखी के बोल रहे हैं ई गढ़ मोरे मान के ना है कि सात समुंदर पर वह बस्ती जो बस गयो संगला दीप सात कोसले भुई दलदल है चिड़िया बैठे यो धस जाए सात कोस सांफन के पहरा दिनिया छत सब जाए चबाए सात कोस डाइन के पहरा तिक्का तिक्का लिहे उचार ओकरे बाद जादू कुमारी हो ओकरे बाद तेगा के मार 22 बरात गई भारत से यको बरत यहाँ लौटे ना यगुआ बांधे दरवाजे पर समधी खाए बांस के मार मूड़ काट के सब लहन के योता खापे धैल झुराए
कठिन मिलन है पद्मावती के गढ़ मोरे मान के नाय। इंदल कहले चाचा यही जोर पकड़ जत रहला कि इंद्र कुबेर वरुण से लड़ब और नाम सुन के संगल दीप कहे तेरी छूट गई तलवार। अरे चाचा नाहक जन्म लिया मर्दे घर पगड़ी बांधन के धिक्कार। बिटिया होई के लड़की होई के जन्मल होता क्यों मर्दे संग होत बिया। दई के काजल टिकुली बैठता कोने बैठ मिजौता गाल। रूदल कह मैं गलवै मिजई बोसान में जान गवई बोला। अरे केतना पानी हम के धरई बा तो पनिया में जवनिया हम लूटई बेना। और ये केल सिर बांधे सर पे कफानवा या केल सिर बांधे सर पे कफानवा या केल सिर। जब सर पे कफन बांधते हैं तो बहादुर कैसे चलता है तर्ज है, लेकिन तर्ज का नमूना हम नहीं बताते, सिर्फ गाना की धुन बना देते हैं और स्वयं स्वयं सुनिए। अरण्य कला मोबल से पट्ठा सीन को तन के आय हाय। निकला मोहबा से पट्ठा सीना को तान के। निकला मोहबा से पट्ठा सीना को तान के। अरे गर्दा में चादू चल के दुश्मन के का जुझारा। बहादुर जब चल देता है माँ के ताना पर दुल्हन लाने के लिए तो उसके हाथ में क्या क्या शोभा दे रही थी और उस शोभा का वर्णन कर रहे हैं। अरे कफनिया तर्ज है पूरन का हो भाई साहब, तर्ज नहीं बतलाएंगे गाना बतला देते हैं। अरे कफनिया सो है शेर मथवा सोहे सिर मथवप सिर मथवाप। अरे धानु ही चला है वीर। जब रास्ते में सोचता है कि मलखान चाचा मेरा भीम का अवतार है, हजार का बल है, साथ देगा। जब मलखान के पास सिरसा में पहुंचता है सिरसागढ़ में, तो मलखान भी इनकार कर गया। तो अकेले अर्धरात में समुद्र के तट पर पहुंचता है बालक। जब समुद्र का धारा लहर मारा है, एक किनारा नहीं दिखाया, न कोई नाव न बेरा दिखाया, तब सहारा उसका टूट जाता है। तब बालक रो रो के सोचता है क्या कि कैसे जाऊं मोहबा मामा रे गीताना। कैसे जाऊं मोहबा मामा रे गीताना। अरे ऐसे अच्छा समुद्र में कूद के मारे जाना। कूदने के लिए तैयार होता है, उसे इतने में भगवान अक्ल अमर साधु हिमालय पर्वत की चोटी पर तपस्या करते हैं। जाओ तुम्हारा काम सिद्ध होगा। हिमालय पर्वत की चोटी पर पहुंचता है तो बाबा 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे, 3 महीना सोए हो गया, 3 महीना बाकी है। तब तक पहुंच करके बाबा बाबा करके आवाज देता है, बाबा नहीं बोलते हैं। तीनदल समझ गया कि चाचा रुदल के कादर बनाए के आए नहीं, तो ये नहू से क्यों बता दे तो हमें देख के सूत के नखड़ा बन गए। बाबा नखड़ा के लिए जू ना छोड़ पकड़ टंगरी तो साधु बाबा कहो चमड़ा मासी काटला बाबा कहे तो तबोए पूजरिया तरिको मीरा कहना। तब तो ललन सोचे लगल है बाबा जी कहे चरानवा पूजाई हो लागल। बाबा जी कहे लड़का सोचलस की कोनो तपस्या में हो, एकर सेवा करब चाहे 20 बरिस बीती जाए, देखी कै साल ना जागल है। वो कसम खा गेल, बाबा का सेवा करे लगल, कुटी गिरल लहल छा धले, फूलों का हार बनाए कि पहनावे चरण दबावे। 3 महीना जब सेवा कर लिया बाबा पूर हो गए भक्ति, तो बाबा सो के उठते हैं, कहते बेटा कितना दिन से आओ। इंदल कहा 3 महीना। बाबा पीठ ठोक के कहते बेटा धन है तेरे साहस को, मांग ले। एक दिन मांगना सड़क की तरह, एक दिन मांगना बांसुनाग, इसके अलावा जो मांगोगे अभी अभी मैं दूं, मंगा। मिनट सिकंड नहीं बीतेगा, पलक भजते भजते मैं तुझे मंगा दूं जो सामान चाहते हो। इंदल कहा वाह बाबा मुझे
सर की तरी नहीं चाहिए न बासु नाक चाहिए। इस धरणी पर एक बूटी का पेड़ जमा हुआ है, उसी को लाने के लिए जा रहा, दोगे? बाबा बेचारे का जाने कि बूटी के पेड़ आने जाता कि मेहरी आने जाता। तो बाबा भोले भाला कहे कि वो बूटी पेड़े का नाम का हो? इंदल कहे बूटी पेड़े का नाम बताई तब की पहले ही बता दा साधु हवा सवाधु हवा। तब साधु हवा तो कहो सवाधु हवा ना कब। बाबा बिगड़ के खड़े हो गए कि 75 बरस उम्र हमारी, हम है बाल ब्रह्मचारी, जादू का डंडा मेरे संग दुश्मन को ठंडा देता बना, जादू की झोली मेरे संग जिसको चाऊ लो मंगाए, उड़न खराउ मेरे संग हो को बैकुंठ देऊ पहुंचाए, इंद्र परी बैठल मंगवाए दो कौन चीज के कमती। इंदल कहे बस बाबा उहे उहे। बाबा समझ गए करे बाप रे बाप, परी चाहत बड़की बूटी मेहरारू खातिन जात। बाबा कहले परी के नाम का हो? इंदल कहे परी के नाम बताई तब की तीन दाई क्रिया खा। बाबा सौ सौ क्रिया पुजारी बाबा खाले जवाब देता है कि जो विध जन्म दियो करुणा सुत सो सुख संपत्ति देहु विधाता, खाने को अन्न नहाने को गंग चढ़न को तुरंग ओढ़न को दुसाला, पान पुराण सुहागन को एक गोद खिलावत सुंदर बाला, हे बाबा बर मांगत हो मुहे दो मृगी नैनी की दो मृग। बाबा कहते मुझे नहीं मत बुझाओ बताओ। तब इंदल कहता है रो रो के बाबा, अरे संगल दीप छूटा इधर महोबा भी छूटा, आज दुनिया से बब नाता मेरा टूटा, दर्द भरे हैं मेरे दिल के जुबा, जाए तो जाए है। माँ तू हमारी हमको ताना तुम्हारा है, इसलिए बाबा तेरे पास में सिधारा है, दमाए सुनो ना ये मर्जी तुम्हारी है, अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। अरे डोलिया मिला दा पद्मावती से भेंट करा दा, दिल का बाबा हमारे दुखड़ा मिटा दाओ, मांगे रहा हूं अरे मांगे रहा हूं यही बरदान, जाए तो जाए बाप। तब ले गाड़ा बड़ा भई गए तो बाबा के दावे 90 डिग्री बाखर। बाबू जब संगल दीप का नाम साधु बाबा सुन ले तो थर 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 सर थर 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 साधु बाबा का पहन गोटिये में छुल छुल चुहेला पीसा। बाबा के कहते छल छल मुतत रहे देखत रहे बुढ़ऊ के तमाशा देखा। नीचे गर्दन जब लटका ले बाबा तिंदल कहत का हो बाबा गुम हो गईला बहिर हो गईला खोखी कांखी के बाबा बोलने ई गह मुरे मान के नहीं। तब ऋषि आय के इंदल कैलस का पकड़ ले लई घेघवा बाबू साधु बाबा गए तो ढोरिये पधई के दाबे सतलवार रेल दबुख ते गवा पार होई जई दा तो साधु अफादु तू है बाबा का है बाप रे बापा से वो कराए रे ससतिए बाए। बाबा हाथ जोड़ के कहे बाबा कहते हैं कि बचवा तू हमार घर जान छोड़ दा तुम्हें वरदान दे कहे पहले वरदान दे। बाबा कहले तनी घेघा ढील कह दा सांस लेवे दा। इंदल कहे नकुरा से बोलल करा नकुरा से सांस लिहल करा मुंह से बोलल करा घेघा छोड़म ना बाबा। तब धोखा कहिए साधु है क्या धोखा कमाए लगल बाबू इन ले के दूर पे पठावे लगल। कहले बेटा मेरी वही कुटी देख उसी में जा राम कमाला मृगशाला उठ उड़न खराउ उठा लिया तो के साधु बनाए उड़न खराउ बैठा पद्मावती रानी के पलंग पहुंचा दे छोड़ के ललन पिछुड़ भइले बाबा धरती में घसा घस धसे लगल। जब ले लड़का पलटे पलटे बाबा पूरी शरीर धस गई प्रेमियों धरती में। इंदल आके कहते बाबा 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 को पता है ना जब जगह है देख ले